नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल ड्राइव में आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि गूगल ड्राइव में हम पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि गूगल ड्राइव में हम अपनी पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको स्कैन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद गाइस आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और गाइस अब जिस भी डॉक्यूमेंट जिस भी फोटो को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर गाइस आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर फोटो ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको टिक पर क्लिक करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन नहीं होता है तो गाइस आपको क्रॉस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से दोस्तों आप अपने फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। कलर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट फोटो को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो और गाइस क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी डॉक्यूमेंट और इमेज को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो गाइस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपकी मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट का फोटो कैप्चर करना है और गाइस आपको टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद गाइस आपका जो डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएगा और गाइस आपको सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट टाइटल नेम यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर अकाउंट पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करोगे तो गाइस आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी और गाइस आपकी गूगल ड्राइव में यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर इमेज को आप गूगल ड्राइव में पीडीएफ फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद गाइज ये जो पीडीएफ है आपके मोबाइल की स्टोरेज फाइल में यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप गूगल ड्राइव में पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।